લોકો પોતાની રીતે આ અવસરને યાદગાર બનાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। વિવિધ હિન્દુ સંગઠનો, સામાજિક સંસ્થાઓ અને સામાજિક અગ્રણીઓ 22 જાન્યુઆરી પહેલા અલગ અલગ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરીને પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। ત્યારે આ પ્રસંગે વીર નર્મદા દક્ષિણ યુનિવર્સિટીના પ્રાંગણમાં ભવ્ય રામોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। તો વીર નર્મદા દક્ષિણ યુનિવર્સિટી ખાતે એક સપ્તાહ સુધી રામોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અયોધ્યા નગરીમાં પ્રવેશતા હોય તે પ્રકારનો માહોલ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે। भारत राष्ट्र में भगवान श्री राम का 550 साल का ये संघर्ष का जो रहा है, राम जन्मभूमि इतिहास, उनका ही हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक सर्टिफिकेट कोर्स डिज़ाइन किया है, जो वो 30 घंटे का है और उनकी फीस जो है वो 1100 रुपीज़ है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सोच थी कि अपने 10,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति का, ये राम जन्मभूमि इतिहास का, हम पूरे एक सर्टिफिकेट कोर्स करने जा रहे हैं, पूरे भारत राष्ट्र में पहले करने जा रहे हैं, और जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उनको 2 क्रेडिट भी मिलेगी। किस तरह का पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें पूरे बाबरी मस्जिद से ढांचा से लेके पूरे 550 साल में जो पूरी यात्रा जो है भगवान श्री राम की, पूरी यात्रा और उसके बाद अभी तक का सुप्रीम कोर्ट का चुकादा और अभी जो उसका 22 जनवरी को जो शिलान्यास हो रहा है, वो सभी बातें को एक इतिहास के रूप में पूरे समाज को इसकी तरह से अवगत कराएंगे। और इसमें और भी एक विशेषता है कि ये सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जिसके 12 साल से ज़्यादा आयु वाला और बिना पढ़े लोग भी ये पूरा सर्टिफिकेट में पढ़ सकते हैं। इसमें हम अभी टारगेट तो पूरे अपनी वीर नर्मदा दक्षिण यूनिवर्सिटी के कुल 1,40,00,000 जनता है, सभी को हम टारगेट करेंगे कि ये भारत राष्ट्र का जो यशस्वी पन्ना है वो सब इसके बारे में सब अवगत करें और सभी को सर्टिफिकेट मिले। सर, ये सर्टिफिकेट सरकारी माननीय यूजीसी के अंदर? हाँ, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये जो 2 क्रेडिट का सर्टिफिकेट कोर्स है, ये सरकारी यूनिवर्सिटी होने के नाते पूरे सरकारी और यानी प्रमाणित रहेगा। विद्यार्थियों को अपना ये राम जन्मभूमि इतिहास है उसके बारे में कई गलत फहमियाँ है, वो इसमें इसके बारे में उनको पूरा तरह का उनको मायजा मिलेगा और उसको सही मायने में क्या था इसके बारे में सही वो अवगत होंगे। 2 मार्क्स मिलेंगे एकेडमिक और सभी को 2 क्रेडिट भी मिलेगी, ये भी सभी के लिए एक अलग तरह से एकेडमिक फायदा भी है।